जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर में रीवा निवासी एक महिला के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता अपने पति को छोड़कर 5 वर्ष के बच्चे के साथ अकेली रह रही थी, तभी महिला के साथ मकान मालिक युवक ने प्यार का झांसा देकर जालती की। जब युवक लगातार प्रताड़ित करने लगा तो अंततः महिला ने मकान बदल दिया, लेकिन आरोपी ने इस बात को लेकर जब मारपीट की तब मामले का खुलासा हुआ। रोते हुए थाने पहुंची पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मुस्तैद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रीवा निवासी 25 वर्षीय महिला ने थाने पहुंचकर बताया कि वह मूलतः रीवा निवासी है। उसका विवाह 2016 में तेवर निवासी युवक के साथ हुआ था, जिससे उसे एक बच्चा है, लेकिन पति के साथ झगड़ा होने पर वह महाराजपुर में किराए का एक मकान लेकर बच्चे सहित अलग रह रही थी। थाने पहुंची पीड़िता की माने तो वह 2500 रुपए में मुकेश पटेल 45 वर्षीय के किराए के मकान में रहने लगी, जहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे जलती की। जब उसने विरोध किया तो जल्द ही शादी करने का आश्वासन दिया, लेकिन आरोपी पहले ही शादीशुदा था। इसके बाद उसने घर बदलने का फैसला किया, लेकिन आरोपी उससे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 5/4/23 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुकेश पटेल जो कंदरा खेड़ा का रहने वाला है, उसका एक मकान हाउसिंग रोड कॉलोनी में है, जो पीड़िता को दिनांक 20/19 को 2500 रुपये प्रति माह में किराए से दिया हुआ था। इसकी एवज में उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार 4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के द्वारा मना करने पर गाली गलौज करता था, जान से मारने की धमकी दिया। जब पीड़िता उससे परेशान हो गई तो उसने आरोपी मुकेश पटेल का मकान खाली कर दिया। पीड़िता ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थाने में, लेकिन आरोपी द्वारा दिनांक 5/4/23 को पुनः पीड़िता को अपने घर में सामान लेने के बहाने बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध दुराचार बनाया, जो पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपना नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर उषा विश्वकर्मा।